एसबीएस न्यूज़। मनचासी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जी, जालौन से आए हमारे केपी सिंह जी, कानपुर से आए जिलाध्यक्ष जी आनंद सिंह जी, अजय सिंह जी और सोनभद्र नरेश हमारे श्याम बिहारी यादव जी। नरेश इसलिए कि आखिर में जिला पड़ता है, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश की रक्षा करने का काम करते हैं, बॉर्डर पे तीन तीन प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की रक्षा करती है। सभी औरैया के जिलाध्यक्ष जी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष जी और इस 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश में इस हौसले के साथ पहुंचे सभी प्रधान साथियों को दिल की गहराई से मेरा नमन नमस्कार। आदेश है कि कम शब्दों में बात कहनी है तो आपसे केवल एक विनती करते हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरह से प्रधान साथियों का दुश्मन है। आप सोचते हैं, गांव के लोग सोचते हैं कि सरकारें बदल दी जाएं तो शायद सिस्टम बदल जाएगा, ये वाली सरकार बहुत अत्याचार कर रही है, आप दूसरी लाएंगे, लेकिन हमने तो एक अनुभव किया है कि जब से आजादी हुई है कोई भी पार्टी, कोई दल, कोई राजनीतिक दल ये कहने को बाकी नहीं बचा है कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो प्रधान साथियों पर गांव के लिए ये विकास कार्य करेंगे, या कोई बचा है किसी दल का? सारी की सारी सरकारों ने 70 साल में प्रधान साथियों का शोषण किया है, अपमान किया है। इसलिए किसी भी दल पर यह विश्वास ना किया जाए कि हालांकि दल की सरकार बनेगी तो हमारे बड़े हित के काम होंगे। हित का काम तभी हो सकता है जब आप ताकतवर हो जाएं, आप संगठित हो जाएं, क्योंकि यहाँ के ये डीएम साहब या डीपीआरओ साहब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये नौकरी कर रहे हैं सरकारों की नियत है कि ये जो गांव में एक नेतृत्व पैदा होता है जो केवल प्रधान है पूरे हिंदुस्तान में, जो मोदी जी हो वो एक बात कह देते हैं 2015 में मन की बात से कि आपकी ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपया भेजने का काम किया जाएगा, और उसी दिन से प्रधान बदनाम होना शुरू हो गए थे। तमाम प्रधान साथियों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन जब हम प्रधान बने अपनी इज्जत बचा के, हम भी प्रधानी लड़ रहे थे उस समय, बड़ा वो हुआ कि मोदी जी ने मन की बात से अपने विचार रखे, गांव वालों ने वो अखबार पढ़े, रेडियो सुने, किसी दल से जुड़े साथी बैठे होंगे, दिल पे नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई कहने की आदत है, किसी के हम गुलाम नहीं है, अपने प्रधान साथियों के गुलाम भी है, सेवक भी। मन की बात से बात सुने और हम भी प्रधानी उस समय लड़ रहे थे, आप भी लड़ रहे थे, आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि हमसे तो लोगों ने आके कहा था कि मोदी जी तो अबकी बार करोड़ों रुपया भेज रहे हैं, प्रधानी माला माला आप होंगे, तो आप बात ऐसे नहीं बनेगी हल्के में, मतलब लाख दो लाख रुपया बजट बढ़ गया था हमारे चुनाव का उनके एक शब्द कहने। लेकिन हुआ क्या, भाई चल बड़े सम्मान से मूंछ की लड़ाई थी, बड़ी मुश्किल से बचा के आए, प्रधान बने और सिस्टम में आने के बाद में आपने देखा होगा 10 महीने तक खाते तक नहीं खुले, 10 महीने खाते नहीं खुले, किसी भी एक नेता का ये बयान नहीं आया कि गांव वालों ये प्रधान मजबूर हैं, अभी हम इनके खाते में पैसे नहीं डाल पाए, इनके खाते तक नहीं खोल पाए हैं, ये आपके लिए कुछ भी नहीं गाँव में कर सकते, एक भी बयान वापस नहीं आया किसी भी लीडर का, क्योंकि आपको बदनाम करना था और आप उनके जो इनकी योजना थी उसके अनुसार आप गाँव में बदनाम हो चुके थे। गांव का कोई भी व्यक्ति आपको अगर बैंक के दरवाजे पर देखता था तो वो ये सोचता था कि प्रधान जी तो आज किस्त निकाल लाएगा। अगर किसी प्रधान साथी ने उन 10 महीनों के अंतराल पर मोटरसाइकिल खरीदी होगी तो सीधा सीधा था कि प्रधान जी आपके तो खाते में लाखों रुपए पड़ा है, तो हेलीकॉप्टर निकाल लीजिए, करोड़ों रुपए पड़ा है। ये हालात थे उस समय, इतनी गालियां हमें 10 महीने में खाने को मिली थी गांव में कि हम गलियों में निकलते हुए डरते थे, ये परिवार में बैठी है सच्चाई है, क्योंकि हम गांव में काम नहीं करा पा रहे थे, हमारे खाते नहीं खुले थे, हमारे खातों में पैसा नहीं, और गांव वाले हमसे अपेक्षा किए हुए थे, जिन्होंने हमें वोट दिए थे, जिन्होंने हमें लड़ाया था कि भाई हमारे ये काम कीजिए, हमारे खड़ंजा खराब पड़ा है, हमारी नाली टूटी पड़ी है, ये हालात थे गाँव में और हम गलियों में निकलते हुए डरते थे कि कोई हमें पकड़ ना लेके हमारी नाली से ही कराओ, क्योंकि हमारा भी बजट सब खत्म हो गया था, केसीसी ले लेंगे, किसान कर्ज वो कर्जा ले लेंगे अपनी जमीनों पे, हम चुनाव लड़ेंगे,
इधर ये है, तो हमारे पास भी बजट इतना नहीं बचा था कि भाई अब कोई सेवा कर सके। उन 10 महीनों में अगर पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण हम कर रहे थे क्योंकि रथ यात्रा निकाली थी, उन 10 महीनों में अगर उपचुनाव करा दिए जाते तो 95% साथी बिना सरकार का एक भी पैसा खर्च किए हुए हार जाते। ये सरकार की नीति है आपको बदनाम करने की। ये DPRO या DM आपके मनोबल को तोड़ने के लिए बैठाए गए हैं। आज DM साहब नहीं आ रहे, ये सरकार की नीति है कि DM आपके मनोबल को तोड़ने का काम करे। ये आपकी औकात है कि आपका ज्ञापन न ले, लेकिन ये सिस्टम है। क्योंकि आज आप इतनी संख्या में पहुंचे, DM साहब बिना ज्ञापन लिए आपको लौटा देते तो आधे से ज्यादा प्रधान साथी सोचते कि संगठन में तो दमखम है नहीं यार, क्या यार DM ने तो ज्ञापन तक नहीं किया। क्योंकि लक्ष्मण मेला मैदान में जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी ने आके ज्ञापन नहीं लिया, तमाम साथियों ने कहा ज्ञापन नहीं लिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि ये सब मनोबल तोड़ने के लिए किया जाता है। आपका संगठन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, मुझे कहते हुए ये हर्ष होता है और अंदर से उठता है कि आज ऐसी भारी बारिश में लखनऊ में हम रुके हुए थे, मैं उन्नाव में रुका हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में थे, सुबह सुबह विपिन मिश्रा जी का फोन जाता है कि भाई हालात बहुत खराब है और लगभग एक एक फुट तो पानी जहां कार्यक्रम तक वहां है और पंडाल गिर चुका है, यहां कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। तो तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे पास फोन आया, विपिन मिश्रा जी ने कहा है, हमने मिश्रा जी से फोन किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोन पर कहा था कि चाहे 5 प्रधान साथी तो मिलेंगे, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं 10 दिन से दौड़ रहे हैं और इसी उम्मीद पे दौड़ रहे हैं कि सब लोग आएंगे कार्यक्रम करेंगे, तो उन 10 लोगों के बीच में ही बैठ के कार्यक्रम किया जाए, लेकिन चलेंगे जरूर। बारिश कितनी भी हो, लेकिन बारिश भी हुई और यहाँ आके ये भी महसूस हुआ कि यहाँ से ज्यादा ऊर्जावान प्रधान साथी हर जिले में नहीं, बहुत जिलों में है लेकिन हर जिले में नहीं है। तो आपके इस उत्साह को सलाम करते हुए केवल और केवल एक ही विनती करते हैं कि अगर आपको शोषण से बचना है तो किसी सांसद या विधायक के पीछे पड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि जन्मजात दुश्मन यही है हमारे सांसद और विधायक। किसी को भी सम्मान देने का काम नहीं किया, 70 साल का इतिहास है। अगर आपके पास भी ये अनुभव हो तो आप भी कोई प्रधान साथी खड़े होकर कह दें कि किसी भी सांसद या विधायक ने प्रधानों की समस्या विधानसभा या लोकसभा में आज तक उठाई है। आप कितने भी वो होते रहे, जब आप सांसद जी के विधायक जी के यहाँ जाते हैं तो वो अंदर जब बैठते हैं आप नहीं उठते हैं तो जरूर खिल्ली उड़ाते हैं कि मौत मार रहा है। आपने आपको नहीं कहता कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर देता हूं मैं 5 साल में, मैं विदेशों में मौज मारता हूं, मैं होटलों में रुकता हूं, प्रधान मौज मार रहे हैं। प्रधान पे बहुत मार रहे हर आदमी, और इसका कारण एक ही है, ये जो हमारे जन्मजात दुश्मन है ये भी इसी तरह से नहीं है, इसके पीछे एक राज है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992-93 में, उसमें केंद्र की सरकार ने एक चीज जोड़ दी थी, 29 अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपने थे, ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती, और जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, जो संविधान के 40वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि गांव बड़ राज के रूप में काम करेंगे, वो चीज लागू होती, लेकिन केंद्र की सरकार ने एक शब्द जोड़ दिया कि 29 अधिकारों में से प्रदेश की सरकारें जितने भी अधिकार अपने राज्य में देना चाहें वो स्वतंत्र है, दे सकती है ग्राम पंचायत। तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमें 29 अधिकारों में से मात्र 11 अधिकार दिए गए थे, जिस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। आज भी तमाम पार्टियां मतलब बीजेपी भी बाकी लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह के बड़े अधिकार मिले, लेकिन उन्होंने भी 18 अधिकार काटकर हमें 11 अधिकार दिए, और उन 11 अधिकारों में से भी तमाम अधिकार आज हमारे कट चुके हैं। वही कारण है कि हमारे ही विषयों में से, हमारे ही विभागों में से सांसद और विधायक जो कुंडली मार के उन पे बैठे हैं, जो मलाई खींचने का काम करते हैं, ये डरते हैं कि ये एकजुट हो गए, ये उसी गांव के लोग हैं जिन गांव के लोगों ने अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया है। क्योंकि गांव के लोगों में हिम्मत थी, गांव के साथियों ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने का काम किया, आज भी हम एकजुट हो जाए तो 73वां संविधान लागू कराने का भी काम करेंगे। ये इसीलिए डरते हैं कि ये अगर एकजुट हो गए तो जो इनके अधिकार हैं या तो
केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार जिस तरह से स्वतंत्र रूप से काम करती है, गांव की सरकार भी उसी रूप से स्वतंत्र रूप से काम करेगी। तो आप लोगों से विनती है कि 73वां संविधान संशोधन पाने के लिए एकजुट होकर काम करें। मिश्रा जी ने आपको बताया होगा कि किन किन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मांग पत्र है संगठन का कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो उनकी सरकार है वो हमें पूर्ण रूप से दे दिए जाए। माननीय सांसद और विधायक की तरफ पर 30,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए, 10,000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाए और 5 साल के अंतराल पर किसी प्रधान साथी की किसी भी परिस्थिति में मौत हो जाए तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 20,00,000 रुपए दिया जाए। हमारी सुरक्षा के लिए जिस तरह से आपको सांसद विधायक की सुरक्षा की चिंता रहती है, हमारी भी सुरक्षा के लिए जब हम प्रधान बने उसके 3 महीने के अंतराल पर हमें भी अपनी मनपसंद का एक लाइसेंस दे दिया जाए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें। एक है कि गांव में तमाम लोगों तमाम प्रधान साथियों के विरुद्ध एप्लीकेशन लगने का काम होता है, तो मांग है सरकार से पूरी तरह से और इस पर काम भी चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी हुई है कि जो हमारी शिकायत हो वो एफिडेविट लगकर हो। कोई शिकायतकर्ता अगर शिकायतकर्ता है तो एफिडेविट लगे, उसका फोटो लगे, सत्यापन हो गया कि मैं ही शिकायतकर्ता हूं, क्योंकि फर्जी शिकायतें भी होती हैं। जिस विषय पे हमारी शिकायत हुई है उसकी जांच हो, लेकिन अगर हम उसमें निर्दोष पाए जाए तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। ये मांग संगठन करता है और ऐसा नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी का नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, मैं तो कहता हूं कि लौट के ये गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह की के रूप में हमें मिले, क्योंकि पिछली बार हम पंचायत राज संगठन के साथ काम किए थे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के लिए लोग तरसते थे कि कैसे होंगे। अब हम भी अंदर घुसने का हमें भी हो रहता है तो अंदर घुसते चले गए तो पता लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जैसे दिखते होंगे वैसे दिखते होंगे, लेकिन वो एसीओ से बाहर आकर खुले मंच पर कहीं मीटिंग नहीं कर सकते, इतना याद ही है। कभी जीवन में कभी प्रधान नहीं रहे हैं, कभी मेंबर नहीं रहे। जो प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में पूछा मैंने, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे तो पेट्रोल पंप पे भी सो जाते हैं भाई, हम यात्रा के दौरान घूम रहे थे तो ये जगह प्रदेश अध्यक्ष जी मिले, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी नमस्कार, कहां थे आप रात? बोले पेट्रोल पंप पे रात गुजारी, कमरा ही नहीं मिला कहीं। ये वो प्रदेश अध्यक्ष जी है, एक वो प्रदेश अध्यक्ष जी है जो आप लोगों की भीड़ लखनऊ में दिखाने के बाद बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े ठेके लेने का काम करते हैं, मेरठ में उनका उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, एसी में रहने का काम करते हैं और कभी प्रधान नहीं बने, गांव में कभी नहीं रहते। तो जो लोग शहर में रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, गाँव में कभी जाते नहीं, उन्हें क्या पता है कि गाँव का आदमी क्यों परेशान है। बहुत बड़ा कार्यक्रम अब सितंबर माह में करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आप लोगों से अपील है कि ऐसे नेतृत्व का साथ दे दें आप, समस्याएं बहुत हैं प्रधानों के लिए लेकिन निस्तारण करने भी वाले भी आप हैं। आप ठगे भी गए हैं, आपका शोषण भी हुआ है, अपमान भी हुआ है, इस अपमान को आप स्वयं बचा सकते हैं, कोई फरिश्ता आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, आपके बीच के लोग। इस पर धन भी आपको ही खर्च करना है, पैसा भी खर्च करना है, समय भी खर्च करना है, हर चीज आपको खर्च करनी है। और जिस चीज से आप चूक गए, आपने सोचा पैसा खर्च नहीं करेंगे तब भी आपका अपमान होगा, आपने कहा समय खर्च नहीं करेंगे तब भी आपका अपमान नहीं हुआ, क्योंकि ये अभियान का ये संगठन टूटा के भारतीय प्रधान संगठन, तो बाकी का कोई संगठन ऐसा नहीं है जो आपके सम्मान को वापस कहते हैं, क्योंकि हमने काफी संगठनों में रहकर उनके पास रहकर देखा है। आपने इस तरह से